अक्षय कुमार की पैडमैन 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म मासिक धर्म पर आधारित है और ये अपने आप में ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश में पहले फिल्म नहीं बनाई गई। इसके अलावा पैडमैन ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है। पैडमैन भारत की पहली ऐसी फिल्म है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद वहां छात्रों को पैडमैन फिल्म भी दिखाई जाएगी। पैडमैन भारत की पहली ऐसी फिल्म है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद वहां छात्रों को पैडमैन फिल्म भी दिखाई जाएगी। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगाथनम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने सस्ती और अच्छी सैनिटरी पैड बनाने की शुरुआत की थी। हमारे देश में पीरियड्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दब्बे जबान से ही बात की जाती है और इसे लेकर बात करने में सहज नहीं महसूस करते हैं। अक्षय कुमार को सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में करना पसंद करते हैं। पिछले साल उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी जो लोगों को काफी पसंद आया था और अब पैडमैन का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में ये भी इशारा किया था कि वो दहेज के मुद्दे पर अगली फिल्म बनाना चाहते हैं।